नाम है चाची? मौलिदा खातून। किस तरह से परेशानी होती है? बहुत परेशानी था, गिर गए हैं, कल बोझा घास लेकर जाते थे, बहुत गिर गए हैं, वो पोल में मुंह टूट जाता कल। सरकार से क्या मांग करते हो? पुला। और कब से ये समस्या हो रही है? बहुत दिन से हो रही है। तो देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है और सर पर देख रहे, क्या है सर पे? आटा। तो आटा गेहूँ पिसाने गए, आटा लेकर सर पे जा रहे हैं। पढ़ने जाते हो? हाँ। क्या नाम बाबू? इधर आओ। मोहम्मद निसार। कहाँ गए थे? आरा पट्टी। कौन सी लाने गए थे? मुर्गा। तो यहाँ जाओगे तो डर भी लगेगा? जी। हाँ जी। पढ़ने के लिए जाते हो? जी। कहा सरकार से मांग करते हो? कहीं तुम बोल दो सरकार के बना दे रोड। आप रोड बना दे सरकार? सरकार बना देना है। किस तरह से समस्या हो रही है? अरे हम लोग का समस्या ऐसा हो रहा है कि लोग हिलता डुबता है इसमें। लोग बाहर का आते हैं या घर का आते हैं, अगल बगल का है, कोई सावधान नहीं है। ना नाव का ये है, ना ई का है। कोठिया से। इसमें क्या है? भिंडी उंडी बचने के लिए। क्या किस तरह से समस्या हो रही है आपको? बहुत संकट में ही तो आप अभी कैसे टप गया ना, तो वहाँ पर टपने का लायक नहीं रहा। नमस्कार, देसी अमानत न्यूज़ के खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के मैसी प्रखंड के अंतर्गत आरा घाट, और ये जो सड़क है ये जाती है सुगरौल लक्ष्मीनिया जाती है, और स्थिति आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से यहाँ पर जो लोग अभी भी लोगों की ज़िंदगी जो वो नरक बन गया है, लेकिन अभी तक यहाँ के जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आप लोग चौकिया का नहीं, ये है बिहार, और ये बिहार का सहरसा ज़िला का मैसी प्रखंड है, जहाँ पर अभी भी लोग जी अपनी ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए परेशान हो रहे हैं। और कुछ ग्रामीण हैं, हम उस ग्रामीण से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सड़क कब से नहीं बना है और आप लोगों को किस तरह से समस्या होती है। बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ का दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से देख सकते हैं लोग अभी भी आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पर लोग जो है चलने के लिए यात्रा करने के लिए परेशान हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को रात में अगर ज़रूरत पड़े मेडिकल जाने का, हॉस्पिटल जाने का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो आम जनता है वो परेशान होते होंगे। इलेक्शन के टाइम में, वोट के समय में सभी जनप्रतिनिधि इसी सड़क से जाते होंगे और कहते होंगे कि हम आपका हर एक समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ कि आप स्थिति देख सकते हैं कि ये पूरा बाढ़ का जैसा स्थिति बना हुआ है। ये सड़क जो है आरा घाट से लक्ष्मीनिया को जाती है, सुगरौल को जाती है। कुछ ग्रामीण है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? अरमान। किस तरह से आपको यह समस्या हो रही है और कब से हो रही है? बहुत समस्या खराब है भाई, गाड़ी नहीं निकल पाता हम लोग को। बहुत कम से कम 10-20 साल हो गया, ये रोड बना ही नहीं, बहुत दिक्कत हो रहा। इस रोड का कोई ध्यान ही नहीं देता है, सब अपना काम से मतलब रखता है, बस हो गया, कमाने का नाव रख देता है। हम लोग को तो बहुत 10 रुपया लेता है गाड़ी टपाने का, 50 रुपया लेता है, मनमाना रेट। अच्छा, नाव जो टपते हैं उसमें पैसा लिया जाता है? पैसा लिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ पर जो नाव रहती है, नाव जो टपते हैं गाड़ी आप आदमी जाते हैं, तो उनमें उसको पैसा लिया जाता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मोतीउर रहमान नाम है मेरा। किस तरह से यहाँ पर आपको समस्या हो रही है और ये समस्या कब से हो रही है? ये 2005 से समस्या है, समझो ना, शुरू से ये समस्या, ये 25-30 साल से जब से अपना होशो संभाला, जब से मैंने देखा है, और यहाँ तक ये भी देखा मैंने कि कितने मरीज जो है कि रात में अगर जो है उनके साथ सीरियस हो जाता है तो ना नाव मिलता है, ना ये पानी के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ को यहाँ दम तोड़ दिया देना पड़ता है। और जो है कि मुखिया आते हैं या कोई भी ऐसा आता है तो वादे करके आते हैं, लेकिन फिर काम यहाँ से कुछ करके जाते नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मुखिया हो या सरपंच हो या समिति हो, सिर्फ वादे करके जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया? संदीप कुमार नाम है। कहाँ घर हुआ? घर यहीं लिंजा हुआ। किस तरह से आपको यहाँ समस्या हो रही है? बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर। जब वोट का समय आता है तब विधायक MP एकदम से आता है, वोट लेने के वक्त जो है पूरे एकदम से नॉर्मल रहता है, जब वोट ले करके चला जाता है, जीत जाता है, फिर देखने के लिए वाला नहीं आता है। इसी तरह रोड रहता है, एकदम से 10 रुपया 9 बार लेता है, जब सूखता है फिर भी बनाने के लिए नहीं आता है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं जो रोड पर अच्छा से बनाया जाए, पानी यहाँ पुल की आवश्यकता है, पुल दिया जाए। तो यहाँ पर जो यार कुछ बच्चे लोग भी है, हम बच्चे लोग से बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? सौरभ कुमार। किस तरह से यहाँ पर समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रहा है, गाड़ी भी टपना मिलता है। और पढ़ने के लिए जाते हो?
हाँ। इसी रास्ते से जाते हो पढ़ने के लिए? हाँ। तो डर लगता होगा? यस। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जाते हैं, इनको डर लगता है। आर भी बाबू है हम जानने के पास, क्या नाम बाबू? कुछ चाचा है, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम हसन है। कहाँ घर हुआ? मेरा आरा घर। किस तरह से समस्या हो रही है, कब से हो रही है? समस्या तो बहुत काफ़ी है, समस्या का तो पूछिए नहीं। समस्या इतना है कि जो कहने के लायक ही नहीं। नहीं यहाँ कोई एमपी आता है, नहीं एमएलए आता है, सब जीत के चला जाता है, कुछ करता ही नहीं है। वो आपके सामने में हालात है, रोड का देखिए कि पानी, लोग आने जाने में परेशानी। अभी तो कम है, नहीं तो भर गल्ला पानी में हेल करके जाते हम लोग। तो देख सकते हैं अभी पानी कम है, इनके चाचा का कहना है कि भर गला पानी में हेल कर इसी रास्ते से जाते हैं। और भी कुछ चाची लोग भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाची? मौजूदा खातू। किस तरह से परेशानी होती है? बहुत परेशानी था, गिर गए हैं कल बोझा घास लेकर जाते थे, बहुत गिर गए हैं, वो पोल में मुंह टूट जाता कल। देख सकते हैं चाची का कहना है कि कल ये घास लाने गई थी खेत, और यहाँ का जो देहात एरिया है, लोग जानवर पालते हैं, उसके लिए चारा लाते हैं, उसके वजह से कल चाची गिर गई थी, बच गया। इनका सर फट जाता, कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपका ये झलक बिहार है। देख सकते हैं विकास का कितना लंबा लाइन बिछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो है भयावह स्थिति बना हुआ है। किस तरह से परेशानी हो रही है? बहुत तरह से परेशानी हो रही है। क्या सरकार से क्या मांग करते हो? पूला। और कब से ये समस्या हो रही है? बहुत दिन से हो रही है। तो देख सकते हैं ये छोटा बच्चा है और सर पर देख, तो क्या है सर पे? आटा है। तो गेहूँ पिसाने गए, आटा लेकर सर पे जा रहे हैं। और भी कुछ बाइक वाले भैया भी आ गए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? आनंद राज। कहाँ घर हुआ? करारा। किस तरह से समस्या हो रही है? समस्या तो आप देख ही रहे हैं सर, क्या है बताइए, कब से ये हो रही है? ये दिक्कत तो दो महीना से। मुखिया जी समिति साहब के द्वारा कुछ समाधान किया गया है? अभी तक तो नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं कि मुखिया हो समिति हो, किसी भी तरह से समस्या का जो है समाधान है वो नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ दिखाएं दृश्य, देख लीजिए बाइक वाले किस तरीके से बाइक लेकर अपना जा रहे हैं, और चारों तरफ से ये भयावह स्थिति है। ये मैसी प्रखंड के अंतर्गत जो है आरा घाट और सुगरोल जाने वाली ये सड़क है, और देख सकते हैं कि चारों तरफ से, और ये सड़क जो है लिंजा को भी जाती है, लेकिन अभी तक इस सड़क का जो बनना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तब सब काफ़ी लोग यहाँ पर जनता जो परेशान है इलेक्शन के टाइम में, वोट के समय में, यही जनप्रतिनिधि इसी रास्ते से जाते हैं और विकास का वादा करते हैं कि हमारे हर एक समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं बाइक वाले भैया वहाँ पर डर के मारे खड़े हैं कि कहीं जाएंगे तो कहीं लुढ़क ना जाए। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, देख लीजिए बच्चे लोग को दिखाएंगे कैमरा मैन ऋषि कुमार के, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये बच्चा का किस तरह से ये पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे। तो और बाइक वाले भैया है, क्या नाम है? समस्या बताओ। मोहम्मद रसगुल्ला। किस तरह से समस्या हो रही है, क्या खाए हुए हैं? अरे बहुत बुरा हाल है, पान खाए हुए हैं। किस तरह से समस्या हो रही है, कब से हो रही है? ये तो हर साल जो है ना पानी के समय में समस्या होती है, और ये ऐसे रह जाता है, कहता फिर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो चुनाव के समय में तो वादा करते हैं, तो मुखिया जी से सवाल करते हैं? मुखिया जी वादा किए हैं कि इस बार काम करेंगे। क्या जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब? हाँ ये तो समझने की बात है। तो ये समझने की बात है, भैया जी का कहना है। और भी है भैया, आज उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद मसीउद्दीन। कहाँ घर हुआ? लिलजा। किस तरह से समस्या हो रही है आपको? ये समस्या देखिए ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये रोड जो है भी मुखिया के अंडर में नहीं है, विधायक फंड में है, और ये जहाँ तक भरना चाहिए था वहाँ तक मिट्टी नहीं डल पाता है हर लेकिन साल। एक मिनट, लेकिन मुखिया जी के फंड में नहीं है, विधायक जी के फंड में क्या? लेकिन मुखिया जी क्या विधायक जी से बात करके समस्या का समाधान नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ कुछ दलाली है, वहाँ तक मिट्टी गिरने ही नहीं देते हैं। हर साल बाढ़ में आने से यहाँ पे तीन कटाव हो जाता है, कि यहाँ एक वहाँ, तो उस हिसाब से अगर मिट्टी पड़ जाए तो ये कटाव नहीं होगा। यहाँ वो भमरा है ना, वो भमरा से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पे पुला चाहिए, दो पुला हो जाए या एक पुला बढ़िया वाला हो जाए तो कटाव नहीं होगा। इसके समस्या से ये रोड जो है हर साल कट जाता है बाढ़ में, ऐसी परिस्थिति रहती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है वो हर साल कट जाता है। यहाँ पर आम ग्रामीण का मांग है कि यहाँ पर एक अच्छा अगर पुल सरकार के द्वारा दिया जाए तो यहाँ के जो समस्या है वो समस्या का समाधान जो वो हो सकता है। देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? कहाँ घर हुआ? पानी में डर लगता है? डरने लगता है? हाँ। पढ़ने जाते हो? हाँ।
क्या नाम बाबू? इधर आओ। मोहम्मद निसार। कहाँ गए थे? आरा पट्टी। कौन सी लाने गए थे? मुर्गा। यहाँ जाओगे तो डर भी लगेगा। जी है जी। पढ़ने के लिए जाते हो? जी। कहा सरकार से मांग करते हो? कहीं तुम बोल दो सरकार कहीं बना दे रोड। आप रोड बना दे सरकार। सरकार बना देना है जी। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कहना है कि सरकार जो है वो रोड बना दे। तो यही समस्या है कि यहाँ पर जो मैसी प्रखंड के अंतर्गत आरा घाट से लक्ष्मीनिया, सुगरौल और लिंजा को ये सड़क जाती है और बाढ़ के समय में ये स्थिति बन जाती है। यहाँ पर आम ग्रामीण का मांग है कि यहाँ पर जो वो एक अच्छा पुल हो जाए ताकि यहाँ के जो आम गरीब जनता रह रहे हैं उनको समस्या का समाधान हो सके। क्या नाम चाचा? मोहम्मद कैया। किस तरह से समस्या हो रही है? अरे हम लोग का समस्या ऐसा हो रहा कि लोग हिलता डुबता है इसमें। तो बाहर का आते हैं या घर का आते हैं, अगल बगल का है, कोई सावधान नहीं है। न नाव का ही है न ई का है, हिल के जाते आते हैं। कब से हो रहा है ये? कब से? कितना दिन ले? सब दिन से चल रहा है। हाँ जल्दी से चल रहा है ये, बना कहाँ? और चाचा क्या नाम है? चाचा क्या नाम? चाचा क्या नाम है? महिद्दीन। कहाँ घर हुआ? आरा घाट। किस तरह से आपको परेशानी हो रही है आने जाने में? हाँ सर जी, बहुत परेशानी। किस तरह से परेशानी हो रही है बताइए? परेशानी हुआ, परेशानी हुआ। तो चाचा नहीं समझ रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम असद है। कहाँ घर हुआ? आरा घाट। किस तरह से समस्या हो रही है आपको आने जाने में? कब से हो रही है यहाँ पर? तो दिक्कत बहुत दिनों से है। इससे पहले जो पूर्व में जो ठेकेदार ठेका लिया है वो यहाँ बना के इधर छोड़ दिया, वहाँ बना के उधर छोड़ दिया, बीच में रास्ता छोड़ दिया। ये बीच में जो है तेलवा पूर्वी के लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये जो रास्ता है बनना चाहिए, हम लोगों को यही मुख्य मार्ग है जो पंचायत में घूमेंगे हम लोग, ये मुख्य मार्ग है, ये रास्ता बनना चाहिए। ये बहुत दिनों से इस तरह डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आम ग्रामीण का कहना है कि यहाँ पर जो वो सड़क बनना चाहिए। और भी एक व्यापार भाई मिल गए हैं, क्या नाम है? हमारे नाम भूषण मेहता। कहाँ से आ रहे हैं? कोठियार से। इसमें क्या है? भिंडी उंडी बेचने के लिए गए। क्या किस तरह से समस्या हो रही है आपको? बहुत संकट में ही, तो आप अभी कैसे टप गए ना, तो वहाँ पर टपने का लायक नहीं रहता। अच्छा कब से हो रहा है? वहाँ पर बाजार भी लगता है, बाजार भी में समस्या गड़बड़ है, रोड भी गड़बड़ है, तो समस्या तो वहाँ पर रही है। कहा बनना चाहिए, सरकार से मांग करते हैं? मांग नहीं करेंगे, हम लोग को दिक्कत हो रहा है तो मांग किसे करेंगे? सरकार देने वाला है वही ना देगा, हम लोग से होने वाला है। तो चुनाव के समय में तो सब जनप्रतिनिधि आते हैं, वो सब वादा करते हैं विकास करेंगे, तो अभी कहाँ विकास हो रहा है? वो तो अपना जीत कर जाते हैं, अपना काम में लग जाते हैं, हम लोग को सजे देखते हैं, हम लोग को जो कर्म कर देते हैं उन लोग जाते हैं तो इधर भूल जाते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग आम जनता का काम है वोट देना, लेकिन वोट देने के बाद चाचा का कहना है कि उधर जाते हैं और भूल जाते हैं। एक और विद्यार्थी भी है, क्या नाम है बाबू? कृष्ण कुमार। उधर कैमरा पर देखो, कहाँ से आ रहे हो? करारा से। पढ़ के आ रहे हो? हाँ। किस तरह से समस्या हो रही है, कब से हो रही है? ये तो बहुत दिन से हो रहे हैं, बहुत दिन। सरकार से मांग करते हो सड़क बनना चाहिए यहाँ पे? जी। तो ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी का कहना है कि यहाँ पर सड़क बनना चाहिए। तो बस समस्या यही है कि ये मैसी प्रखंड के अंतर्गत जो आरा घाट से लक्ष्मीनिया, सुगरौल और लिंजा सड़क जाती है और यहाँ पर जो आम जनों को किस तरीके से परेशानियाँ होती होगी, अब ये मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि मैसी प्रखंड के अंदर बहुत सारी समस्या है और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि यहाँ पर आम गरीब जनता जो रह रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। कैमरामैन ऋषि कुमार के साथ मैं सुहाग अख्तर, बहुत बहुत धन्यवाद।